नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में। आज हम संजय प्लेस में हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जातीय जनगणना के बारे में बताएंगे। अभी बिहार से जो आंकड़े जातीय गणना के आपने देखे हैं, अब यहाँ आगरा के लोग उनसे जानते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भैया आपका नाम क्या है? सनी अरोरा। सनी अरोरा जी, आप बताइए, क्या जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई है, क्या आगरा में यूपी में होनी चाहिए? नहीं। क्यों, मतलब नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि सब ये क्या है, सब एक भाई भाई हैं, तो काय की जाति जनगणना, उससे क्या फायदा है? सब वो कर लो, जनगणना कर लो, उससे कि क्या क्या है, बस और क्या है। जैसे आमतौर पे होती रही है, जैसे 2021 में होती रही है ना। हाँ, वो आमतौर पे वाली होनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, जाति के जातिगत वो नहीं होना चाहिए। हम नहीं मानते कोई जाति वाति। सब इससे 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 क्या दिक्कतें क्या आएंगी? इससे ये होगा, मन मुटाव आ जाएगा सब में, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। बस इनका कहना है कि मन मुटाव आ जाएगा जाति जनगणना से। आपका क्या नाम है भैया? मैं खेमचंद शर्मा। खेमचंद शर्मा जी, आप बताइए, जैसे बिहार में अभी जातिगत जनगणना का जो आंकड़े आए हैं, अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती, ये दोनों भी मांग कर रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में भी जाति गणना होनी चाहिए। तो क्या आपका मायना क्या है, कहना क्या है? नहीं, ये जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे समाज में बहुत भेदभाव पैदा होगा। समाज में जाति जाति से जो है, जो पहचान है वो आदमी की पता चल जाएगा कौन जातिवादी है। तो जाति वाली जनगणना तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल समाज को बहुत भ्रष्टाचार में और नीचे ले जाएगा। तो मायावती और अखिलेश यादव दोनों लगातार मांग कर रहे हैं, वो भी देश के प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका क्या दिमाग चल रहा है ये पता नहीं है, लेकिन इस तरह की जनगणना सही नहीं है देश के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाएगा और लड़ाइयाँ, फिर दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। ये सही नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं कि सही नहीं है। आपका क्या नाम है? मनीष कुशवाहा नाम है मेरा। मनीष कुशवाहा जी, आप बताइए, मनीष कुशवाहा जी, क्या जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए जैसे बिहार में हुई है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना ठीक नहीं है। जनगणना कीजिए, क्योंकि जातीय जनगणना से कोई भी कम्युनिटी की पार्टी जो किसी कास्ट पर वोट मांगती है तो उनको अपना क्लियर हो जाएगा कि मेरी जाति इतनी है, इतना वोट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद वो नेक्स्ट जाति को टारगेट करेगा और जीतने के बाद वो एक सिमिलर कास्ट जो सोचेगी कि ये मेरा नेता है, ये किसी और का नेता नहीं, सिर्फ मेरा नेता है। तो इस तरह से जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। एक जनगणना कर रहे हैं स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, वो सब ठीक है, जातीय जनगणना नहीं। हम तो क्योंकि जात में बांट रहे हैं लोगों को खुद ही। इस देश में तो कास्टिज्म बहुत पहले से ही है, आपको पता है? नहीं, वो मुझे सब पता है, देश में कास्टिज्म सब कुछ है, लेकिन ये बनाया गया हम लोगों की वजह से ही। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मतलब जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी तो हो सकता है कास्ट में लोगों का बंटना भी शायद रुक जाए, धीमे धीमे ये चीज़ें बंद हो जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? विष्णु प्रजापति। विष्णु प्रजापति जी, आप बताइए, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसलिए होनी चाहिए, हमारे समाज में आप देखेंगे छोटे सा अगर क्षेत्रीय दल का भी अगर नेता कोई खड़ा होता है, अगर नगर पालिका भी चुनाव होते हैं तो वो जाति को देख के वोट पड़ता है ज़्यादातर। देखेंगे आप, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी में भी है, ठीक है, उसको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये है कि जाति आजकल से तो नहीं चल रही, 1931 से चली आ रही है ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे मैं प्रजापति समाज से हूँ, मेरे यहाँ पे कोई नेता है या नहीं सदन में, मुझे ये पता पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई नहीं है तो हमारी जाति पता पड़ जाएगी, साहब हम इतनी जाति में यहाँ पर हैं। तो कम से कम इतनी डिमांड तो हम गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि साहब हमें एक नेता, हमारा एक दो नेता जो होने चाहिए वो होने चाहिए जरूर, ठीक है। जाति के जब आप पूरा का पूरा इलेक्शन जाति के आधार पर ही लड़ रहे हो तो फिर वो जाति पर ही आना चाहिए फिर पूरी तरह से। तो बिल्कुल यहाँ कुछ वाली बात नहीं है, इसमें कोई बांटने वाली नहीं है, क्योंकि जाति आजकल से नहीं है, बहुत पहले से है, कोई बांटने वाली बात नहीं है। बस ये है कि अपना नेता हम मिल सकता है उसके थ्रू, बस ये। और तो यहाँ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रजापति जी, इन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि हमारी जाति के लोग कितने हैं।